गैस, आज का वीडियो जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को देखने वाले हैं और एक फॉर्म सबमिट करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में करने के लिए, तो चलते हैं जल्दी से अपनी एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र में आकर मैंने बाय द वे अपना ज़ैम्प सर्वर स्टार्ट कर लिया है अपाचे, और इंडेक्स ऑफ CWH PHP जो है वो मैंने खोल लिया है। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा, उसका नाम मैं रखने वाला 21 और उसका नाम मैं रखूँगा गेट पोस्ट डॉट पी एच पी, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एको करूँगा दिस इज गेट एंड पोस्ट ट्यूटोरियल इन PHP, ठीक है। इस तरह करने के बाद मैं इसको रिलोड करूँगा, तो यहाँ पर मुझे गेट पोस्ट डॉट पी एच पी मिल गया, दिस इज गेट एंड पोस्ट ट्यूटोरियल्स इन PHP। लेकिन यहाँ पर मैं अभी करने क्या वाला हूँ ना, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पर getbootstrap.com पर जाऊँगा। और बूटस्ट्रैप क्या है, ये लिखा है यहाँ पर, ओपन सोर्स टूल किट फॉर डेवलपिंग विद HTML CSS और JavaScript। यानी कि आपको एक प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, आपको ज़्यादा CSS JavaScript ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को मिलती हैं वो सब चीज़ें जो कि शायद आपको यकीन भी ना हो आपने बनाई हो, जैसे कि ये बटन हो गया, ये डिज़ाइंस हो गए, काफ़ी चीज़ें जो आप लोगों को बूटस्ट्रैप देता है। स्टार्टर टेम्पलेट को आपको सिंपली करना है कॉपी, और स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करने के बाद आपको कर देना है यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये हटा देता हूँ एको अभी, मैं यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए अभी। और इसके बदले मैं क्या करूँगा, और उसी के साथ साथ जो PHP मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर रखता हूँ PHP अपना। और अभी के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर डॉक टाइप HTML मैंने रखा है, टाइटल में मैं यहाँ पर रख दूंगा गेट एंड पोस्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है, बाय द वे इसको मैं अगर दिखाऊँ तो ये ऐसा दिख रहा है। और मैं यहाँ पर जल्दी से लेकर आऊँगा एक नैव बार, कंपोनेंट्स में जाकर नैव बार, और यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पर पेस्ट करूँगा, मैं नैव बार को पेस्ट करूँगा अपने इस हेलो वर्ल्ड की जगह, ताकि मेरा जो नेविगेशन बार है वो मुझे देखने को मिले। और मैं इसको रिलोड करूँगा, देखो ये नेविगेशन बार मुझे देखने को मिल रहा है, इसको रिसेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नैव बार को मैं कर दूंगा गेट पोस्ट, कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख दूंगा गेट पोस्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। ट्यूटोरियल हटा देता हूँ, गेट पोस्ट लिखता हूँ सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ पर गेट पोस्ट लिख कर आ जाएगा। और उसी के साथ से यहाँ पर होम लिंक ड्रॉप डाउन, ये सब चीज़ें जो है ये आपको बूटस्ट्रैप प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है फॉर्म्स में, और फॉर्म्स में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ फॉर्म्स, जैसे कि मैं ये वाला फॉर्म अभी कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके इसको मैं पेस्ट करूँगा कहाँ पर, यहाँ पर अपने नेव बार के बाद मैं एक डिव डॉट कंटेनर बनाऊँगा, उससे मेरा एक डिव बन जाएगा विद द क्लास ऑफ कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर मैं फॉर्म डालूंगा। डायरेक्टली मैं फॉर्म नहीं डालना चाहता, क्योंकि जो कंटेनर के अंदर रहेगा फॉर्म, तो मैं कंटेनर के अंदर कुछ क्लासेस लिख सकता हूँ, और वो क्लासेस लिखने का मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं उन क्लासेस की मदद से इस पे मार्जिन पैडिंग दे सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, ईमेल एड्रेस पासवर्ड ये सब चीज़ें लिखी मैंने, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर एक हेडिंग लिखी जा सकती है। पहले यहाँ पर लिखता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। प्लीज़ एंटर योर ई मेल एंड पासवर्ड यहाँ पर लिखा मैंने, रिलोड किया, प्लीज़ एंटर योर ई मेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ पर ई मेल एड्रेस और पासवर्ड, ये दो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एंटर योर ई मेल एंड पासवर्ड लिखा, ई मेल पासवर्ड यहाँ पे आ गया। अब मैं सबमिट अगर करूँगा इसको, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाए, ठीक है। तो ये जल्दी से क्विक प्रोटोटाइपिंग मैंने करी बूटस्ट्रैप की मदद से। बाय एनी चांस अगर आपको ये जो नैव बार है ये डार्क चाहिए, तो उसका भी तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। नैव में यहाँ पर नैव बार डार्क, और यहाँ पर BG डार्क, बस इतना करना है, नैव बार डार्क BG डार्क, ये दोनों डार्क कर दिया आपने तो आपको ऐसा नैव बार मिल जाएगा। मुझे ये वाला नैव बार बाय द वे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और अगर आप लोग चाहते हैं अपने कंटेनर में MT3 लिख लोगे अगर, तो क्या होगा, मार्जिन टॉप 3 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक गैप आ जाएगा। देखो रिलोड किया, एक गैप आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब मैं चाहता हूँ कि ईमेल और पासवर्ड मैं जैसे ही एंटर करूँ यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, मेरा फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं ईमेल और पासवर्ड में नेम दूंगा और फॉर्म में एक्शन दूंगा, ठीक है। तो
तो मैं यहाँ पर फॉर्म में एक्शन इज इक्वल टू लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्शन इज इक्वल टू, और उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा स्लैश 21 अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर पोस्ट डॉट पी एच पी, ठीक है। और यहाँ पर मैं सी डब्ल्यू एच पी एच पी भी लिखूंगा। तो इस फॉर्म को मैं जैसे ही कभी सबमिट करूँगा तो ये यहाँ पर गेट पोस्ट डॉट पी एच पी में सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मुझे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखना पड़ेगा। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट का मतलब है कि ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी आप एक फॉर्म भरते हो तो होता क्या है कि फॉर्म के जो आपके यहाँ पर इनपुट एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट ईमेल मैंने लिखा है और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड करके पासवर्ड लिखा है, तो यहाँ पर ये जो इनपुट टैग है मेरा, इसमें मैं इसको ईमेल कर देता हूँ, ईमेल आईडी इज इक्वल टू ईमेल, फॉर इज इक्वल टू ईमेल, सिमिलरली यहाँ पर फॉर इज इक्वल टू पासवर्ड पास कर देता हूँ उसको, आईडी इज इक्वल टू पास। और एक और एट्रीब्यूट इसमें होता है नेम, नेम से हम पहचानते हैं किसी भी एक टैग को हम नेम से पहचानते हैं, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू ईमेल, मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। और ये चीज़ जैसे ही मैं करूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल नेम इज इक्वल टू ईमेल, तो क्या होगा कि इसका जो नाम है वो ईमेल हो जाएगा इस इनपुट टैग का। इस इनपुट टैग का नाम क्या हो जाएगा, इस इनपुट टैग का नाम हो जाएगा पासवर्ड। और चेक मी आउट को मैं अभी हटा देता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता चीज़ों को, अभी ये चेक मी आउट वाला बटन मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड रखते हैं और सबमिट रखते हैं, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर मैंने एक तो अपना ईमेल एड्रेस रखा, एक पासवर्ड रखा, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड रखा फॉर्म के अंदर। अब मुझे करना क्या है, इसको सबमिट कर देना। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, तो विद पोस्ट ये लेकर जाएगा इस सारे पैरामीटर्स को इस पेज के पास। तो इस पॉइंट पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं गेट और पोस्ट में डिफरेंस। तो गेट रिक्वेस्ट जो होती है, बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि जब आप गेट रिक्वेस्ट मारते हैं किसी भी पेज को, तो आपको सारे पैरामीटर्स यूआरएल में दिखाई देते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स आपके पैरामीटर्स जाते हैं। तो मैं गेट वर्सेस पोस्ट रिक्वेस्ट अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो मेन डिफरेंस ये है गेट और पोस्ट में कि जो गेट होता है वो यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन मार्क नंबर इज इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पर लिखा, तो क्या होगा, नंबर 5 जो है ये पैरामीटर मैं दे रहा हूँ गेट पोस्ट डॉट पी एच पी को। जैसे कि मैं अगर आपको यूट्यूब पर दिखाऊँ, अगर आपने यूट्यूब पर गए आप और आपने यहाँ पर लिखा कोड विद हैरी, और आपने यहाँ पर लिख दिया पी एच पी, ठीक है, आपने कोड विद हैरी पी एच पी लिखा जैसे ही, तो यहाँ पर देखो ये जो कोड विद हैरी प्लस पी एच पी है सर्च क्वेरी पैरामीटर आपका यहाँ पर गया, ठीक है। तो आप अगर इस यू आर एल को कॉपी करते हो और इसे कॉपी करके किसी को आप देते हो, तो वो भी ये पेज प्राप्त कर पाएगा। तो किसी ने अगर अपने ब्राउज़र में इसको पेस्ट किया और एंटर मारा, तो वो भी ये पेज खोल पाएगा। लेकिन अगर ये मैं सबमिट कर रहा हूँ डेटा पोस्ट से, यानी कि अगर सर्च क्वेरी पोस्ट से मैं सबमिट कर रहा होता किसी फॉर्म को, तो इस फॉर्म के यूआरएल से काम नहीं चलेगा, बिहाइंड द सीन्स भी पैरामीटर जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर, मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 5 को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे वो आपको बताया था, नंबर इज इक्वल टू 5 मैंने यूआरएल से हटा दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एट जीमेल डॉट कॉम और पासवर्ड 123 और सबमिट करूँ, तो क्या होगा कि 21 गेट पोस्ट डॉट पी एच पी में दोनों पैरामीटर सबमिट हो गए। और उसी के साथ साथ क्या होगा कि इनको सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये मेरे सर्वर में चले जाएंगे और मैं यहाँ पर सर्वर में इनको हैंडल कर पाऊँगा। लेकिन अभी आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मैंने इनको हैंडल नहीं किया है, तो अब मैं पीएचपी से इनको हैंडल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा इसमें कि इफ़ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मेरा मेथड है वो गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है। मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, और यहाँ पर एक इज सेट फंक्शन होता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ इज सेट। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर मेरा ये डॉलर पोस्ट है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर चाहूँगा कि अगर ये एक पोस्ट मेथड है इज सेट पोस्ट, अगर मेरा जो डॉलर पोस्ट है, अगर आप लोगों को डॉलर पोस्ट नहीं पता क्या होता है, तो डॉलर अंडरस्कोर कैपिटल पोस्ट होता है, इसको सुपर ग्लोबल बोलते हैं, और ये आपका तब सेट होता है जब आपका कोई भी पोस्ट पैरामीटर इस पेज पर सबमिट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ इज सेट डॉलर पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा दो वेरिएबल्स बनाऊंगा, ईमेल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और उसके बाद जिस नाम से हमने ईमेल को रखा था, हमने ईमेल के नाम से रखा था, और उसी के साथ साथ मैं जो मेरा पासवर्ड है
उसको मैंने रखा था पास के नाम से, उसका नेम इज इक्वल टू पास था। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाऊँ नीचे, नेम इज इक्वल टू उसका पास था, ये देखो नेम इज इक्वल टू पास मैंने यहाँ पर रखा था, ठीक है। अब मैं इन दोनों को चाहूँगा कि इनको सबमिट कर दूँ, सबमिट दिस टू अ डेटाबेस, और हमने अभी डेटाबेस देखा नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक अलर्ट दिखाएंगे और उस अलर्ट को हम मानेंगे कि हमने डेटाबेस को सबमिट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जो मेरा इफ स्टेटमेंट है इसको लेकर आऊँगा, इसको कट मैं करूँगा और इसको मैं लेकर आऊँगा नैव बार के ऊपर बॉडी के बाद, ठीक है। इनफैक्ट नैव बार के बाद, नैव बार के बाद लेकर आऊँगा। नैव बार के बाद क्यों? क्योंकि मैं चाहूँगा देखना इसको अपने नेविगेशन बार के बाद। तो नेविगेशन बार के बाद मैंने PHP इंसर्ट करी है, और PHP आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो, यही खूबी है PHP की। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़े से इंडेंट्स ठीक कर देता हूँ इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, लिखूँगा एको, और एको करने के बाद जो अलर्ट है मेरे बूटस्ट्रैप का उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, और अलर्ट सक्सेस लेकर आऊँगा और डिसमिसेबल अलर्ट लेकर आऊँगा नीचे से। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मैं ये वाला अलर्ट यहाँ पर यूज़ करूँगा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है, और मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें डबल कोट्स यूज़ हो रखे हैं अगर आप लोग देखें तो। सेव किया मैंने इसको, और मैंने इसको कुछ इस तरह से ये कर दिया। अब देखो मैं अगर इस पेज को डायरेक्टली एक्सेस करूँ, मैं अगर इस तरह से एक्सेस करूँ तो मैंने गड़बड़ कर दी है, अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल, अनडिफाइंड इंडेक्स पास। मैं अगर यहाँ पर इसको ऐसे करूँ तो 52 लाइन में कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल, तो मैंने क्या गलती करी है मैं देख रहा हूँ। डॉलर पोस्ट ईमेल, डॉलर पोस्ट पास, तो यहाँ पर मुझे एरर मिल गया है। और एरर ये है कि मैंने किया यूज़ इज सेट, मुझे सर्वर मेथड इस तरह से चेक नहीं करना है, मुझे सर्वर मेथड कुछ इस तरह से चेक करना है। तो मैंने जो सर्वर मेथड है उसको चेक करने का एक गलत तरीका अपनाया है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से सर्वर, और उसके बाद रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। तो जो इज़ेट फंक्शन होता है वो आपको बताता है कि आपका एक वेरिएबल सेट है कि नहीं है। तो दैट इज़ नॉट अ रोबस्ट वे टू चेक कि आपका सर्वर मेथड गेट है या पोस्ट है। अगर आप चाहते हैं ये चेक करना कि सर्वर मेथड गेट है या पोस्ट है, तो सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इस तरह से आप लोग लिखें, और इक्वल टू अगर पोस्ट है तब आप लोग कुछ इस तरह से लिखें। और ये जब आप करोगे, रिलोड करोगे, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सर्वर मेथड था वो पोस्ट नहीं था, सर्वर मेथड गेट था, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको सबमिट करूँगा कुछ डिटेल्स के साथ, और डिटेल्स के साथ सबमिट करूँगा तो देखो होली ग्लू का मोली ये लिख कर आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने ईमेल और पासवर्ड सबमिट किया है वो लिख कर आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ होली ग्लू का मोली की जगह, कहाँ गया होली ग्लू का मोली, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस, और उसके बाद लिखता हूँ कि योर ईमेल डॉलर ईमेल एंड पासवर्ड डॉलर पास हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ईमेल था मेरा कुछ मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, और डॉट लगाऊंगा। डॉट होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी थी। और उसके बाद कुछ इस तरह से हम लोग ऐसे करेंगे, और ये जो डॉट्स है ये यहाँ पर भी हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड ये डॉट, और उसी के साथ साथ डॉट, और ये इस तरह से हम लोग सेव करेंगे। तो ईमेल और पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अगर मैं वापस से यहाँ पर लिखूँ कुछ भी, तो ये कह रहा है उप्स मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी, अनडिफाइंड वेरिएबल पास इन लाइन नंबर 55, ओके पासवर्ड, इट्स पासवर्ड, मैंने पासवर्ड नाम से बनाया वेरिएबल। तो मैंने सेव किया इसको, और वापस से अगर मैं इसको भरूँ, 56 मैंने रखा है पासवर्ड, और रोहन एट रोहन वेबसाइट डॉट कॉम एंड पासवर्ड, उप्स मैंने इसको सेव नहीं किया, आई एम सॉरी। वापस से रिलोड करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, देखो यार ईमेल रोहन एट रोहन वेबसाइट डॉट कॉम एंड पासवर्ड 56 हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने होम पे आ सकता हूँ, और होम पे आने के बाद मैं यहाँ पर ईमेल में कुछ भी लिख सकता हूँ, पासवर्ड में दिस इज़ लिख दिया मैंने, और ये तो कह पासवर्ड दिस इज हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यही जो आपका पासवर्ड है वो आप सबमिट कर सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है कि इसको मिमिक किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा है सक्सेस योर ईमेल एंड पासवर्ड हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये जस्ट मैंने आप लोगों को करने के उससे बताया है, हम आगे देखेंगे किस तरह से हम लोग जो है डेटाबेस में डाल सकते हैं डिटेल्स को, लेकिन अभी हमने यहाँ पर सिर्फ जो है अलर्ट दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने एक कमेंट लिखा हुआ है सबमिट दिस टू अ डेटाबेस, तो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना है डेटाबेस में, यहाँ पर हम लोग वो कोड लिखेंगे सबमिट टू डेटाबेस वाला, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको सबमिट दिस टू डेटाबेस कमेंट यहाँ पर लगा रहने दूंगा। और एक चीज़ और, इस वार्निंग को अगर आप सक्सेस कर दोगे तो जो सक्सेस क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर वो आपको ग्रीन कलर पाने में हेल्प करती है। जैसे कि मैं अगर अभी इसको यहाँ पर बाय द वे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं होम पे नहीं जा रहा हूँ, तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर जो होम है उसमें मैं कहाँ गया मेरा होम, ये रहा मेरा होम, href को स्लैश कर दूँगा। और ऐसा करने से ये होगा कि अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा, ओके स्लैश नहीं, स्लैश chphp करना पड़ेगा वरना मैं सीधे अपने उस पर चला जाऊँगा अपाचे वाले होम पे, वहाँ भी नहीं जाना चाहता मैं। कंटिन्यू, होम पे क्लिक किया तो chphp में चला गया, और मैं अगर जाता इसमें 21_getpost.php में तो मेरे लिए और अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर कर दूँ इसको रिलोड, तो यहाँ पर देखो मैं आ गया हूँ होम पेज पे। तो प्लीज़ एंटर योर ईमेल एंड पासवर्ड, एक बार और ट्राई करते हैं इसको, sdf@10.com और 670 समथिंग मैंने पासवर्ड रखा है, 67 करके प्रेस किए बटन, 6678 पासवर्ड है और ये ग्रीन भी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का जो हमारा सक्सेस वाला ये अलर्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने डिसमिसेबल अलर्ट यूज़ किया है, यानी कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये चला जाएगा। तो बूटस्ट्रैप का बेसिकली फ़ायदा ये हुआ यूज़ करने का कि हम लोगों को बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा कोड लिखे, बड़े आराम से हम लोगों को यहाँ पर मिल गया सारी की सारी चीज़ें जो कि हम चाहते थे। सो ये डिज़ाइन हम लोगों ने बिल्कुल कम मेहनत करके बनाया है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको फ़ोन में दिखाऊँ, ये फ़ोन में ऐसा दिख रहा है, देखो कितना मस्त दिख रहा है, फ़ोन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार बहुत सही, ये देखो इस तरह से ये आप इसको फ़ोन में ऐसा देखोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको आईफोन में देखूं तो ऐसा दिखेगा, देखो आईपैड में देखूं तो ऐसा दिखेगा, आईपैड प्रो में देखूं तो ऐसा दिखेगा। तो जो बूटस्ट्रैप होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिस्पॉन्सिव होता है, यानी कि जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने आपको अडेप्ट कर लेता है। ओके गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी PHP की जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग काइंडली यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करें, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पर क्लिक करके इसको जो है सेव कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको जो आपके ये जो सारे के सारे वीडियोस हैं वो जाएंगे आपके अपने, आपको ऊपर यहाँ पर अपने ही बुकमार्क बार में देखने को मिलेंगे, और आप लोग को जो सारा का सारा सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।